क्या आप मुंब्रा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के लिए स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। क्या ये योजना है, किस तरीके से और किन लोगों को ये मशीन बांटी गई? महाराष्ट्र के आदरणीय कार्यक्षम मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब, इनके नेतृत्व में कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब इनके माध्यम से ठाणे महानगर पालिका धर्मवीर आनंदी के स्वयं रोजगार योजना के माध्यम से महानगर पालिका का जो समाज विकास विभाग है उस विभाग के माध्यम से यहाँ पर कल 300 से ऊपर घर घंटी बांटी गई, जो कि चक्की कहा जाता है। आज यहाँ पर आप देखेंगे तो 200 से ऊपर हमारी माता बहनों को सिलाई मशीन का बाटअप किया गया। आज हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि महिलाओं का सक्षम करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से जो भी किया जाना चाहिए वो जो उनके माध्यम से किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज जैसे कि पिछले वक्त एक निर्णय हुआ था कि महिलाओं को एसटी में 50% का उन्होंने सहूलत दिया था बस में बैठने का, तो उसमें महिलाओं ने उसका बहुत सारा बेनिफिट लिया। आज इस महानगर पालिका के समाज विकास समाज कल्याण विकास के माध्यम से आज यहाँ पर ये मशीन बांटी गई, सिलाई मशीन। और मैं समझता हूँ कि इससे पिछले कल के दिन में उन्होंने कहा था, हमारी माता बहनें जब ये मशीन घर घंटी ले रही थी तो उन्होंने कहा था कि इसके माध्यम से हम हमारा रोजगार करेंगे, उपलब्ध हो जाएगा हमको और हम हमारे घर को हम खुद के हिस्से चलाएंगे। वैसे आज ये सिलाई मशीन का आज बाटअप हुआ, सिलाई मशीन के माध्यम से ही भी आज महिलाओं ने कहा कि ये एक हमारे रोजगार का साधन है और हम लोग जो हमारा किधर हाथ पसारने से अच्छा हम मेहनत करके इस चीज़ को हम खुद के जो हमारी ये है कौशल्य उसको हम लोग इसमें लगाएंगे और हमारा सिलाई मशीन के माध्यम से हम लोगों का काम करेंगे और वो हमारा जो रोजगार है उससे हम लोग हमारा उपलब्धि कराएंगे और हमारे परिवार को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये जिन महिलाओं को बांटी गई, मतलब इनका डेटा कहाँ से आया आपके पास? ये क्या था कि ये हमने एक फॉर्म हमको दिया गया था महानगर पालिका के माध्यम से, इस फॉर्म को हमने सबमिट किया था। इस फॉर्म में महिलाओं का जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब जो चीज़ें हैं जो उसके क्या बोलते हैं उसको अधिवास दाखला डोमिसाइल वो ये सब चीज़ें जो थी ये जो महानगर पालिका में ये फॉर्म भर के दिया गया। वहाँ पर जिनके जो पात्र हुए बोले तो क्या बोलते हैं उसको पात्र वैलिड हुए वैसे महिलाओं को मैं समझता हूँ कि कहीं भी प्रभाग समिति में इतने बड़े पैमाने पर जो 996 हमने फॉर्म भरे, 1000 से ऊपर फॉर्म भरे थे, लेकिन उसमें से 5-6 फॉर्म ऐसे इनवैलिड हो गए, लेकिन 996 फॉर्म वैलिड हो गए, उसमें 508 घर घंटी थी और उसके उसमें सिलाई मशीन थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे मुंब्रा के मुंब्रा प्रभाग समिति में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए और सबसे ज़्यादा महिलाओं को ये सब चीज़ें जो मिली है आज उनके स्वयं रोजगार के लिए। तो इसके लिए मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का, हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का और महानगर पालिका के माननीय आयुक्त माजी महापौर नरेश मस्के साहब और यहाँ जो महानगर पालिका के अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध थे उन्होंने बहुत अच्छा हमको सहकार्य किया और ये आज आप देखेंगे अभी आज और कल फिर घर घंटी बांटी जाएगी, परसों फिर सिलाई मशीन बांटी जाएगी। तो ये सब जो सिलसिला है ये चलता रहेगा और जो जो शासन की तरफ से योजना है जैसे अभी आप देखेंगे कि संडे के दिन जो रविवार था परसों के दिन वहाँ पर डोंबोली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ शासन अपल्यादारी, वो शासन अपल्यादारी में
महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार के इसमें माध्यम में, राज्य केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे देशवासियों को, हमारे नागरिकों को बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन वो योजना का लाभ जो लाभार्थी तक पहुंचना मांगता है वो लाभ पहुंचता नहीं था। उसकी वजह क्या थी कि अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना है तो तहसीलदार में जाएंगे तो तहसीलदार में जाने के लिए आपको बहुत सारे चक्रे मारने पड़ते थे। महानगर पालिका में अगर कुछ करस्पॉन्डेंट करना है उसके लिए बहुत सारी चक्कर मारना पड़ते थे, चप्पल घिसना पड़ती थी। इसके लिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और वो जो योजना जो है वो योजना का लाभ मिलना मांगता है लाभार्थी को, तो वो लाभ मिल नहीं रहा था। इसके लिए शिंदे साहब ने इसके लिए और यहाँ की सरकार ने एक ये किया कि अगर शासन के पास योजनाएँ हैं और उसमें लाभार्थी है तो लाभार्थी को मिलता नहीं है, तो शासन को ही अपने उनके घर पे पहुंचाना मांगता है। शासन अपलेदारी वो एक संकल्पना उन्होंने बनाई और शासन अपलेदारी आज आप देखेंगे 70,000 लोग वहां पर लाभार्थी उपलब्ध थे और किसी को ट्रैक्टर मिला, किसी को बर्तन मिले, किसी को कामगार को किट मिले, बहुत सारे ऐसे जो रिक्शा मिले, किसी को घर मिले, बहुत सारे ऐसी जो सरकार की योजना थी उसका लाभ हमारे लाभार्थी तक पहुंचाने का काम हमारे मुख्यमंत्री साहब ने किया है और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और खास करके अपने ये यहाँ पर जो मशीन और गरगंटी बांटी गई उसके लिए महानगर पालिका के तमाम जो अधिकारी हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जरूर, आपका क्वेश्चन सही है। पहले तो मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब और उन हमारे एरिया के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उन सभी का हमारे मुमरा वासियों के लिए जो भी रोजगार उपलब्ध करवाया गया है और जो जो योजनाएं है वो हमारे मुमरा वासी उसका उपभोग ले रहे, ये सही कहा आपने। उसके लिए मैं दोनों का और महाराष्ट्र शासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपने जो पूछा है कि शाखा के माध्यम से, सही कहा आपने कि अभी तो फिलहाल हमारे ऑफिस से, मतलब वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम का जैसा हमारा ऑफिस हो गया है तो वहाँ पे मुमरा के आधे से ज़्यादा पब्लिक वहाँ से सर्विस ले रही है, लेकिन जब भी शाखा का ओपनिंग होगा तो उससे ज़्यादा पैमाने में, क्योंकि पहले से ज़्यादा पैमाने में शाखा भी बड़ी हो गई है और बहुत अच्छा लोक उपयोगी योजनाएँ और भी अच्छे काम मुमरा वासियों के वहाँ पे होंगे।